तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था जो हमारा 12वां चैप्टर था, 12वें चैप्टर में हमने क्या करा कि हमने सिर्फ रॉयल का जो रॉयल लग्जरी मंजर का जो बेस था वो तैयार किया था। अब क्या करना है, हमने इस पर सिर्फ डिजाइन बनाना है। अब डिजाइन बनाने का क्या तरीका है, और मैंने शुरू में आपको बताया था 12वें चैप्टर में कि जो हम जब डिजाइन बनाने जब खड़े होते हैं और इसका जो बेस कोड होता है तो कुछ बंदे क्या करते हैं 2 से 3 घंटे या 4 घंटे सूखने देते हैं और डायरेक्टली डिजाइन निकालने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि रॉयल लग्जरी इमल्शन जो होता है अंदर का बेस कोट जो होता है उसमें हल्का चुपचुपापन रह जाता है, और जो चुपचुपापन रहता है ना उसकी वजह से ये दिक्कत आती है सबसे बड़ी कि इसके अंदर जो माल हम ऊपर से लगाते हैं रॉयल प्ले का, जैसे ये हमारे पास रॉयल प्ले है, ये जो हम लगाते हैं टॉप कोट जिससे हम टेक्सचर निकालते हैं, तो ये जो है चुपचुपापन की वजह से ना जोन डाल देता है, और एक गर्मी की वजह से जोन डालता है। तो गर्मी की वजह से या फिर रॉयल लग्जरी मतलब जल्दी नहीं मतलब ठीक से सूखा नहीं हो तो उसकी वजह से ये जॉइंट आते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला था कि 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद हम इसको करेंगे। तो जैसे कि कल मेरा पार्ट नहीं आया क्योंकि मैंने जो कोर्स था मेरा इसका दूसरा पार्ट था, वैसे 12वां चैप्टर है और जो रॉयल प्ले जो टेक्चर है हमारा उसका दूसरा पार्ट है, तो इसकी वजह से मैंने ये यहाँ पे जो 2 कोट लग चुके हैं तो 1 दिन का मैंने गैप दे दिया। अभी क्या करना है, हमने इसका मटेरियल कैसे बनाना है, तो उस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि मटेरियल कैसे बनाना है। वैसे मैं मैजिक कोड यूज़ करता हूँ, अगली बार मैं अब इसमें मैजिक कोड यूज़ नहीं करूँगा, फिलहाल मैं ऐसे ही दिखाऊँगा क्योंकि काफ़ी पेंटरों की रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं यार जोड़ आ जाते हैं और बिना उसके बड़ा दिक्कत बढ़ जाती है। तो हमने क्या करना है, इसमें जो है मटेरियल वो मैजिक कोड नहीं डालना है, डायरेक्टली अप्लाई करना है। और एक चीज़ और दिखा दूँगा आपको, डिजाइन जो निकालना है ओनली मैंने बैलून से निकालना है। अभी आप देख सकते हो मेरे पास कई तरह के बैलून है, ये देखिए बैलून से डिजाइन निकालूंगा और इतना शानदार डिजाइन निकलेगा कि आप भी देखोगे और आप आसान तरीके से सीख सकते हो और कह सकते हो और बना भी सकते हो उसे, बहुत आसान तरीका है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से मैं इसे मतलब चलाऊंगा डिजाइन बनाऊंगा वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा, अपनी मर्जी से मत बनाना वरना बीच बीच में जगह जगह इस तरह से गोल 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 आपके बन जाएंगे। तो इसमें स्टेप बाई स्टेप की तरह हमें चलना होता है। तो मैं करता हूँ शुरू, पहले मैं बनाता हूँ रॉयल प्ले कि इसमें पानी कितना बार डालते हैं हम 1 लीटर में। तो गाइस शुरू करते हैं हम, इसके अंदर कितना पानी पड़ेगा पहले हम डब्बा खोलते हैं, क्योंकि सबसे मेन बात जो होती है दोस्तों वो होती है कि टॉप कोट में पानी कितना डालना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊँगा कि पानी कितना डालना है। कोड नंबर हमारा 8029 ये हमारा इसका कोड नंबर है, जो कलर नंबर होता है जिससे हमारा एक कलर बनता है। तो गाइस जैसे कि अभी ही मटेरियल में कितना पानी पड़ेगा वो आपके सामने मैं डालूँगा, बस 1 लीटर में हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम तक पानी डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और किसी किसी डिजाइन में 50 ग्राम भी डालते हैं। तो फिलहाल में आपने देख लिया है कि मटेरियल की जो था हमारा वो अच्छी तरह से मैंने इसमें डाल दिया है और अभी मैं पानी डाल रहा हूँ। पानी आप देख सकते हो इसमें कितना पानी इसके अंदर पड़ रहा है, बस मैक्सिमम 100 ग्राम करीब हमने डाला है इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जिसने भी इसका पहला चैप्टर मतलब 12वां चैप्टर नहीं देखा है, मतलब इसका जो टेक्चर का पहला भाग नहीं देखा है, तो वो 12वें चैप्टर में जाके देख ले, वहाँ से उसको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे अप्लाई करना होता है, क्या क्या करना होता है। तो मटेरियल दोस्तों हमारा बन चुका है पूरा अच्छी तरह से, और इसी तरह का हमने मटेरियल रखना है। तो इसमें जो डिजाइन जो दिया है, हमने 2 डिजाइन दिए हैं, और 2 डिजाइन एक रूलर का दिया है मैंने और एक बैलून का दिया है, जो गुब्बारा होता है हमारा एक उसका दिया है। तो ये हमारा एप्लीकेशन रूलर है, कि आम रूलर होता है जैसे कंबल वाला रूलर होता है वैसे ही एप्लीकेशन रूलर होता है, लेकिन टेक्चर के लिए स्पेशल होता है। टेक्चर के लिए ये जो रूलर मैंने दिखाया ये भी नहीं होता, दूसरा होता है, लेकिन इससे भी आप टेक्चर बना सकते हो। ये मेरे हाथ में बैलून है, और टेक्चर के लिए अगर आपको रूलर खरीदना ही है तो मार्केट में जाके आप ये बोल देना कि पैटर्न रूलर जो एप्लीकेशन रूलर जो होता है जिससे कि टेक्चर का जो टॉप कोट होता है वो डालते हैं, वो रूलर हमें मतलब दे दो, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे जिन्हें पता होगा एप्लीकेशन रूलर क्या होता है। तो गाइस मटेरियल आप जिस तरह मैं चढ़ा रहा हूँ इस तरह से आप चढ़ा सकते हो, और बराबर रखना मटेरियल बराबर, कम नहीं, कम बढ़ती नहीं रखना, कम बढ़ती अगर मटेरियल आपका कहीं पे दीवार पे लगेगा तो उससे क्या होगा आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि तो उसमें जोड़ ज़्यादा आएंगे, और जोड़ की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब ये परेशानी आने वाला काम हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप दीवाल करोगे, दीवाल का जो मटेरियल आप लेके आओगे वो आपके पैसे भी काट जाएंगे, आपकी लेबर भी काट जाएगी। तो इससे बढ़िया है कि आप जो एक ही बार में अच्छा काम करो और पहले ही देखो कि इसमें जोड़ नहीं आनी चाहिए। तो गाइस मैंने नीचे के जो बेस बनाया था वो डबल कोट करके ही बनाया था, 2 कोट ही लगाया था, और सुबह सुबह में मैंने ये डिजाइन निकाला है, क्योंकि सुबह सुबह में डिजाइन निकालते हैं उससे क्या होता है कि दीवार जो होती है हमारी वो ठंडी होती है और उसमें जोड़ नहीं आते हैं।
तो अभी देख सकते हो कि नीचे का जो मैंने जो पैटर्न डाला है, यानी एप्लीकेशन जो रूलर है हमारा जो नीचे का बेस बनाया है जिससे कि हम पैटर्न बोलते हैं, तो पूरा प्रॉपर बराबर डाला, कहीं कम बढ़ती माल नहीं है हमारा। ये हमारे पास बैलून है, तो इसमें दो डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन तो बैलून के साथ है और दूसरा जो डिज़ाइन है मेरा वो रूलर का है, तो इसलिए मैंने दो एक उसमें एक चैप्टर में आपको सिर्फ दो डिज़ाइन दिखाए हैं मैंने इसमें, वरना मैं एक ही डिज़ाइन दिखाता सिर्फ बैलून का, लेकिन मैंने दो दिखाए हैं। वो इसलिए दिखाया है क्योंकि बैलून का जो डिज़ाइन है वो भी आपको समझ में आ जाएगा, और जो जो दूसरा जो डिज़ाइन है हमारा वो हमारा रूलर का है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बैलून जो आपने टच करना है, बैलून वही होता है जो बच्चे खेलते हैं और जो हमारे बड्डे उड्डे पे लगते हैं, वही बैलून है ये। तो इसको हल्का हल्का टच करना है और एक ही डायरेक्शन में चलना है आपने, जहाँ जिस जैसे कि आपने शुरू में टच किया है उस अंदाज से आपने शुरू से एंड तक चलना है, उसी अंदाज से चलना है। तो ये वाला जो डिज़ाइन है आपका बनके तैयार हो जाएगा, और इसका जो नाम है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा या टाइटल में इसका नाम मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो कि इसके अंदर जो मतलब जो डिज़ाइन निकल रहा है बहुत शानदार निकल रहा है, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो लाइट थी वो चली गई है, तो उस लाइट की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हमें करना पड़ गया इसमें, और उसकी वजह से जो डिज़ाइन है ये साफ साफ दिख भी नहीं रहा है। कैमरे की हमने काफ़ी ज़्यादा लाइट्स बढ़ाई है तो इतना ये दिखाई दे रहा है, और वरना डिज़ाइन बहुत शानदार निकला है। ये देखिए, अगर ये लाइट होती और लाइट से अगर सूट होता ये लाइट के साथ तो काफ़ी शानदार ये डिज़ाइन दिखने वाला था। अब बात करते हैं गाइस हम दूसरे डिज़ाइन की, इसी मटेरियल में हमने ये ख़त्म करने के बाद ये हमारे पास टूल रूलर है, तो इसके ऊपर मटेरियल अगर आपका बराबर चढ़ा हुआ है, जैसे ये अभी देख रहे हो आप बराबर है बिल्कुल, तो डिज़ाइन आपका पूरा परफेक्ट आएगा। ये रूलर का डिज़ाइन देखिए आप, पहले रूलर का जो डिज़ाइन है हमारा बहुत शानदार निकला है, कहीं जोड़ नहीं कुछ नहीं और प्रॉपर एकदम बराबर निकला है। तो डिज़ाइन को आपने निकालना किस तरह से है, वो इस तरह से निकालना है कि आपने जो अगला वाला जो हिस्सा होता है रूलर का वो दूसरे वाले हिस्से से आपने टच करके चलाना है, जैसे कि अभी देख रहे हो कि रूल फूल के पास हमने टच करके चला रहे हैं, उससे क्या होता है कि वो बीच में जो जोड़ आने के चांस रहते हैं ना वो नहीं आते हैं, और आपका डिज़ाइन है वो बहुत शानदार बनता है और जोड़ भी नहीं आते। तो हर वीडियो में मैजिक कोड दिखाता हूँ, इसमें मैंने मैजिक कोड नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि बिना आप मैजिक कोड के दिखाइए तो बिना मैजिक कोड के दीवार है ये। तो बड़ी दीवार भी आप कर सकते हो, वो भी सुबह सुबह में कर सकते हो, सुबह में अगर आप करोगे तो आपके जोड़ नहीं आएंगे, अगर दोपहर में करोगे या शाम के टाइम करोगे तो जोड़ आएंगे, क्योंकि पूरे दिन की गर्मी बहुत ज़्यादा तपी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से दीवार गर्म हो जाती है, उसकी वजह से जोड़ आते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात ये थी कि हमारे यहाँ पे आज बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो इसकी वजह से लाइट हमारे यहाँ की चली गई थी, तो इस करके थोड़ा बहुत जो भी जैसे भी सूट हुआ बड़ी मुश्किल से हमने ये सूट किया है बारिश में आप लोगों के लिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको मैं अगले चैप्टर में, जो हमारा 14वां चैप्टर है, तो उसमें कुछ और आपको न्यू सीखने को मिलेगा।